Salami! देश की सेवा में कार्य करते हुए साहिबगंज के लाल और सीआरपीएफ के जवान शहनवाज आलम 6 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दत्तेवाड़ा में शहीद हो गए, जिनका आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ साहिबगंज में सुपुर्द खाक किया गया। देश के शहीद जवान और साहिबगंज के लाल की एक झलक पाने के लिए पूरा शहर सड़क पर उमड़ पड़ा। शहनवाज आलम 2013 में जम्मू कश्मीर रेंज में बहाल हुए थे और इन दिनों छत्तीसगढ़ के दत्तेवाड़ा में तैनात थे। जंगल में गश्त लगाने के क्रम में आकाशीय बिजली गिरने से वो शहीद हो गए। शहनवाज अपने पीछे 5 साल के एक बेटे आर्यन और पत्नी को छोड़ गए। साहिबगंज के कब्रिस्तान में उनको 10 तोपों की सलामी दी गई। सीआरपीएफ के डीएसपी शांति किस्कू ने शहनवाज की पत्नी रुखसाना खातून को तिरंगा सौंपा। वहीं उनकी अंतिम यात्रा में पूरा प्रशासन शामिल हुआ। मौके पर साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती, साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, सीआरपीएफ के आईजी सुनील दत्त त्रिपाठी ने शहीद को अंतिम सलामी दी और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं शहनवाज को करीब से जानने वाले उनके मित्र 1 लाख नदीम ने बताया कि शहनवाज कितना मिलनसार और अपने समाज में लोकप्रिय था। एक और साहिबगंज के लाल ने देश सेवा में अपना बलिदान दिया। साहिबगंज से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। जो हमारा शहीद हुआ है बहुत ही जांबाज एवं बहादुर सैनिक था। 2013 में भर्ती होने के बाद 187 बटालियन जम्मू गया, उसके बाद श्रीनगर में तैनाती हुई, उसके बाद 111 बटालियन दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में था। जैसा कि हमारा एक थिएटर से दूसरे थिएटर में जाते हैं तो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, पीआई ट्रेनिंग करने के बाद वो ड्यूटी में था जिसके तहत वो शहीद हुआ। उसकी जांबाजी, बहादुरी, समर्पण, लगन, निष्ठा को न केवल हम बल्कि हमारे महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक बिहार सेक्टर सभी सल्यूट करते हैं और सभी परिवारजनों को और साहिबगंज के निवासियों को श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। ये पूरे साहिबगंज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है कि साहिबगंज के एक जवान श्री शहनवाज आलम जी ने आज पूरे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और ड्यूटी में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है। आज उन्हीं के जनाजे में पूरा साहिबगंज उमड़ा था। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे सभी जिला प्रशासन के सभी सदस्य, पुलिस अधीक्षक, सीआरपीएफ के सभी लोग मौजूद थे और मैं उनके परिवार के लिए पूरी सहानुभूति रखता हूँ और जितना भी जिला प्रशासन की तरफ से उनके परिवार के लिए संभव हो सके हम लोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गर्व का विषय है कि हमारे जो शहर का एक जांबाज सिपाही शहनवाज जो आज देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया, मैंने उनके सीआरपीएफ के जवान साथियों से बात की, उन्होंने बताया कि वो काफ़ी दिलेर और जांबाज किस्म के व्यक्ति थे। इस गाड़ी में उनकी लोकप्रियता देखकर आपको लगता होगा कि कितने यहाँ पे लोकल लेवल पर भी कितने लोकप्रिय थे, कितने मृदुभाषी थे, वो सबसे मिलजुल कर रहते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है, हम लोगों से हमेशा उनके साथ है, खड़े रहेंगे और उनका परिवार अब हमारा परिवार है, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। अंत में मैं इस भीड़ को और आप लोगों का सहयोग को देखते एक ही बात कहूँगा, शहीदों के मज़ारों में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बात यही निशान। ये भीड़ बता रही है कि शहनवाज को कितना चाहते थे, हमेशा सोशल मीडिया में अपने ड्यूटी के टाइम में भी लोगों को बताते रहते थे कि हम यहाँ पे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। सोशल मीडिया से ये बहुत पॉपुलर थे, आज ये पॉपुलरिटी है, ये भीड़ जो वो कमाया था देश के लिए शहीद हुआ है और यही उसकी पूंजी है इस देश के लिए। और इतनी बेहतरीन उसका व्यवहार था कि आज आप देख लीजिएगा जिस रोड से उनका ये हम लोग शहीद का जनाजा जो गुजरा है, हर लोग बड़े मतलब खुश भी थे इस बात से कि हमारे देश के लिए कुछ हुआ और गम भी था